अक्टूबर और मैं आज जा रहा हूँ बाटू केव्स कुआला लंपुर की ट्रेन से। कल मैं ट्रैवल किया था मेट्रो से मैंने, और आज मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। और ये बाइक्स वो बाइक्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं कुआला लंपुर में, अगर आप इनको रेंट करना चाहते हैं तो बस इनका ऐप डाउनलोड करना है और फिर एक बार कोड होता है बाइक पे यहाँ पे, उसको स्कैन करके अब ले जा सकते हैं इस बाइक को। अब मेरे को यहाँ के रेट पता नहीं है, सिंगापुर में थे 50 सेंट्स फॉर 15 मिनट्स, 25 रुपये 15 मिनट के लिए। अभी बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं अभी सिर्फ ट्रेन स्टेशन पे जाके ही रिकॉर्ड करूँगा। पहुँच गया हूँ कुआला लंपुर के ट्रेन स्टेशन पे, यहाँ से है एंट्री, ये है गेट, तो बंद है, आगे देखता हूँ कोई गेट खुला होगा तो। ट्रेन स्टेशन कुआला लंपुर का, टिकट मेरी पड़ी 2.5 रिंगिट्स। अभी यहाँ से प्लेटफॉर्म 4 है ये, और मेरे को नहीं पता है कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, तो मैं ट्रेन का नंबर चेक कर लेता हूँ, उसके हिसाब से गूगल ने क्या बताया था। गूगल के हिसाब से ट्रेन नंबर 2426 बाटू केव्स जाएगी। अभी बाहर टिकट मशीन भी हैं और एम्प्लॉय भी बैठा है एक, मैंने तो एम्प्लॉय से टिकट ली है क्योंकि कोई और था नहीं, तो मैंने टिकट काउंटर से टिकट ले ली। खाली पड़ा है स्टेशन, ये है दूसरे प्लेटफॉर्म्स, मैंने पता कर लिया है पीछे एक भाई साहब जो बैठे हैं उनसे कि बाटू केव्स के लिए ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, उन्होंने बताया 2, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा अब चढ़ के ऊपर और फिर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे 2426 नंबर की ट्रेन आनी चाहिए गूगल के हिसाब से। अभी देखते हैं गूगल कितना एक्यूरेट है, अभी तक तो धोखा नहीं दिया है गूगल ने, सही बस और ट्रेन नंबर बताया है मेरे को। ये जैसे दिल्ली में क्रॉस करने का है हर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए, ऐसे ही चढ़ना पड़ता है और फिर उतरना पड़ता है। ये है पूरा मैप, मैं हूँ यहाँ पे कुआला लंपुर, मेरे को जाना है बातू केव्स यहाँ पे। यहाँ बैठे बैठे हो गए हैं ऑलमोस्ट 25 मिनट, और इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है 45 मिनट पे एक ट्रेन आती है। 11:58 वाली मैंने मिस कर दी क्योंकि मैं यहाँ पे 12:05 पे पहुँचा, अभी दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ मैं। स्टेशन इस पे आपकी लॉन्ग रूट्स की ट्रेन भी आती हैं और शॉर्ट रूट्स की ट्रेन भी आती हैं। अभी ईपो की ट्रेन आई थी IPOH, उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या ये बाटू केव्स की ट्रेन है, तो मेरे को पता था कि ये नहीं है, ये लॉन्ग रूट वाली ट्रेन है। अभी टाइम हो गया है शायद 35, 8 मिनट में 34, 9 मिनट में ट्रेन आ जाएगी और उसमें बैठ के हम जाएंगे बाटू केव्स। जितनी भी शॉर्ट रूट्स की ट्रेन आ रही हैं ये एक तरह से मेट्रो ही समझ लो, क्योंकि इसमें कोई भी रिजर्व सीट वगैरह नहीं है, जहाँ सीट खाली मिले वहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आपको रिजर्व सीट चाहिए तो आपको लॉन्ग रूट पे जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से अगर आप पेनांग जाना चाहते हैं या फिर सिंगापुर साइड जाना चाहते हैं, नीचे मलेशिया के सदर्न साइड में जाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग रूट वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी और उसमें आपको सीट्स मिलेंगी। पहुंच गया बाटू केव्स, ये है मेरे पीछे का नज़ारा, और यहाँ पे आने में मेरे को लगे 30 मिनट लगे, आधा घंटा पूरा,
अब इस केव्स के अंदर जाने के लिए पहले यहाँ लिखा है नो शूज, अब शूज कहीं उतार के आने पड़ेंगे। गया था मैं केव पे रामायण केव, टिकट 5 रिंगिट थी, इसलिए मैंने अभी एंट्री नहीं ली वहाँ पे। यहाँ पे एक और केव है, पहले वहाँ देखता हूँ, क्या पता वो फ्री हो, क्योंकि मैंने बाहर से देखा इतना कुछ खास दिख नहीं रहा था कि 80-90 रुपए देने लायक। मेरे पीछे है यहाँ पे सबसे बड़ा स्टैचू, और ऊपर जाने के लिए आपको चढ़ने पड़ेंगे शायद 200 या 300 स्टेप्स, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। चढ़ने से पहले सुबह से कुछ खाया नहीं है तो कुछ पेट में डाल लेते हैं पहले, फिर ही ऊपर चढ़ा जाएगा, वरना मुश्किल लग रहा है। आप पी के अब चढ़ना शुरू कर चुका हूँ। इतना चढ़ा हूँ और बिल्कुल थक चुका हूँ मैं, यहाँ पे सब्जी आ रही है क्योंकि जो क्लाइंब है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, धीरे धीरे मेरे को लग रहा है 15 या 20 मिनट में पूरी कर पाऊंगा। 75% कंप्लीट करने के बाद एक ही और केव आती है, डार्क केव, और जो मेन केव है वो ऊपर है। यहाँ पे वॉलंटरी सबसे रिक्वेस्ट करी है कि ब्रिक्स अगर आप चाहें तो ऊपर मेन केव तक लेके जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए वॉलंटरी है, अगर आप एक ब्रिक लेके जाएंगे तो अच्छा होगा, मेरे बस की तो नहीं है, चढ़ाई नहीं जा रहा ब्रिक लेके तो मुश्किल हो सकती है। अब चलते हैं पहले डार्क केव में। बाटू केव्स की एंट्री, यहाँ पे लिखी हुई थी 35 रिंगिट्स, एडवेंचर टूर 80 रिंगिट्स। तो टिकट थी 35 रिंगिट्स 45 मिनट के टूर के लिए, और 80 रिंगिट्स एडवेंचर टूर है कोई उसके लिए, उसकी बुकिंग आपको पहले ही करानी पड़ेगी। 1.2 किलोमीटर का एडवेंचर टूर है, मेरे को भी वापस जाने से मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं जा रहा हूँ मेन केव की तरफ। ये मैं ऑलमोस्ट मेन केव पे पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे सारे ब्रिक्स मेरे हिसाब से वॉलंटियर्स लेके आए हैं ताकि केव बिल्ड हो सके। पीछे से और यहाँ पर आ गई है एक और चढ़ाई, तो अगर आप डार्क केव में नहीं भी जाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहीं पे इतना सब है देखने को। डार्क केव में 35 रिंगिट्स वेस्ट ही होंगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री है देखने के लिए। कैसे ना कैसे करके मेन केव तक आ गया हूँ, पर हालत हो गई है बिल्कुल टाइट। यहाँ पहुँचने में मेरे को लगे होंगे 15-17 मिनट। और ये है सिर्फ 2 रिंगिट का, अभी तक की सबसे बढ़िया ड्रिंक आइस लेमन टी मेरे को सबसे बढ़िया लगी, और सस्ती भी है 2 रिंगिट।
Thank you.